सब्सक्राइब करें टेक्निकल दृष्टिकोण को और साथ में बेल आइकन दबाएं सबसे पहले टेक्नोलॉजी वीडियो पाने के लिए। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टेक्निकल दृष्टिकोण में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग इस लेवल का पोस्टर कैसे आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं अपने वीडियो के लिए। आप लोग बहुत सारे न्यूज वालों को भी देखते हुए कि इस तरह का इशारा करते हुए पोस्टर बना हुआ होता है उनका, तो आप लोग भी अपने वीडियो के लिए अगर इस तरह का वीडियो रिलेटेड आपका है तो आप लोग अपना पोस्टर इस तरह से बना सकते हैं। और ये जो आप लोगों को जो क्वालिटी का ये लगा हुआ है इफ़ेक्ट, इस तरह का इफ़ेक्ट आप लोग लगा सकते हैं, इससे बेहतरीन लगा सकते हैं। और कैसे लगाना है सब मैं आज की इस वीडियो में आप लोग को पूरी जानकारी डिटेल से बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग भी सीखना चाहते हैं इसको तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस तरह का आप लोग को पोस्टर बनाने के लिए सबसे पहले अगर आपके पास पिक्सल लैब है तो उससे भी बना सकते हैं। अगर पिक्सल लैब नहीं है, आपके पास पिक्सा 8 है तो उससे भी बना सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को दोनों ऐप से बताने वाला हूँ एक एक करके। तो गाइस, सबसे पहले मैं बताता हूँ पिक्सल लैब से। तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे बताता हूँ कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को जिस भी आदमी का या आप लोग नेता का इस तरह से PNG को ज़रूरत होगा। अगर ये PNG आपके पास नहीं रहेगा तो आप लोग नहीं बना सकते हैं। तो चलिए, ये आप लोग को पता चल गया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हद बोले हैं खेसारी लाल जी। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग को आना है, पहले बताता हूँ पिक्सल में, उसके बाद आप लोग को बताऊँगा पिक्सा 8 से। तो मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पर आना है और उसके बाद आप लोग को यहाँ पे एक कुछ ऑप्शन आ जाएगा A3 डॉट का, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन मिलेगा इमेज साइज का। तो आप लोग इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कस्टम पर क्लिक करना है और ये ऑप्शन आप लोग को यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक करने के बाद ओके कर देना है। और ये जो साइज होगा आप लोग का यूट्यूब चैनल के लिए होगा, जो कि उनके वीडियो के लिए होगा। YouTube वीडियो के लिए ये साइज होता है 1280 से 720। तो यहाँ पे आप लोग को बैकग्राउंड सबसे पहले लगाना होगा। तो बैकग्राउंड लगाने के लिए इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है जो चौथे स्थान पर है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ से बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ से कोई बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। या आप लोग अगर अपना एक्सटर्नल लेना चाहते हैं गैलरी से तो उसके लिए आप लोग को यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया है ए फ्रॉम गैलरी, इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ से आप लोग का जो भी बैकग्राउंड आएगा उसको ले सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे इमेज पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर अपना वो बैकग्राउंड को लेना है जो बैकग्राउंड को आप लोग यहाँ से लगाना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि मेरे पास कहाँ पर बैकग्राउंड है। ए रहा बैकग्राउंड और बैकग्राउंड को मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस, वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए मैं ये वाला बैकग्राउंड ले लेता हूँ और इसको करता हूँ ओके। ओके करने के बाद इतना हो जाने के बाद आप लोगों को सबसे पहले इसका आप लोग को थोड़ा से लाइट को बढ़ा देना है। तो चलिए ब्राइटनेस को बढ़ाता हूँ और इतना करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को PNG लगाना हो तो PNG लगाने के लिए आप लोग को यहाँ पर आना है, थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नहीं तो आप लोग यहाँ पर प्लस के ऑप्शन पर ही क्लिक करके PNG सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट का, इस पर क्लिक करना है और आप लोग को वो फ़ोटो को लेना है जिस भी फ़ोटो को आप लोग यहाँ पे बनाना चाहते हैं। तो चलिए मैं ये वाला फ़ोटो PNG ले लेता हूँ और ओके करता हूँ। और इसको थोड़ा सा आप लोग को बड़ा करके इस तरह से लगा लेना है। और लगाने के बाद आप लोगों को फिर यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये वाला आप लोग को ले लेना है, दो PNG की यहाँ पे ज़रूरत होगा। तो चलिए मैं ये वाला PNG को भी ले लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा से करता हूँ बड़ा। और बड़ा करने के बाद यहाँ पे इस तरह से इसको लगा लेना है और इसको लॉक करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक कर देना है। और दोनों पर लॉक पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर इस तरह से कम्प्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट काम है आप लोग को, सबसे पहले आप लोग जिस भी रिलेटेड आपका ये है थंबनेल या वीडियो, उस पर आप लोग को उसी लेवल का इस तरह से लगा लेना है वॉइस टैग। तो चलिए मैं यहाँ वॉइस को स्टॉक देता हूँ। स्टॉक देने के लिए आप लोग को स्टॉक पर क्लिक करना है, इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद थोड़ा सा स्टॉक को बढ़ाना है और इस तरह से आप लोग को ये ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट काम आता है आप लोगों को कि उस तरह का आप लोग कैसे लगा सकते हैं जैसे कि इशारे करते हुए।
तो उसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा स्टिकर का, स्टिकर पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आप लोगों को ओपन हो जाएगा। ये आप लोग इस तरह से लगा सकते हैं, आप लोग ये देख सकते हैं। लेकिन ये जो आप लोग का स्टिकर है ये काम नहीं करेगा, तो काम नहीं करेगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन भेज दिया गया है, आप लोग इस पर क्लिक करके जैसे कि स्टिकर पर क्लिक करना है, ये वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आप लोगों को थोड़ा से इसको बड़ा करना है, तो चलिए मैं बड़ा कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे अलग अलग दिया है, तो चलिए मैं एक वाइट लेता हूँ और ओके करता हूँ। ओके करने के बाद गाइस यहाँ पे थोड़ा से आप लोगों को साइज अपने हिसाब से रख लेना है, जिस भी हिसाब से आप लोग रखना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर ये कर लेता हूँ, और आप लोग को शॉर्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पे लिया कर इसको मुँह क्यारी यहाँ पे लगा देना है। यहाँ पे इस तरह से हो जाने के बाद आप लोग को इसको भी करना है लॉक। लॉक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ए का, इस पर क्लिक कर देना है एक क्लिक। और यहाँ पे टेस्ट पर क्लिक करने के बाद आप लोग को एडिट पाना है, और यहाँ पे आप लोग को लिख लेना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आप लोग को इस तरह से ले आना है, और इसको आप लोग को सेंड टू फॉन्ट पर क्लिक कर देना है। जो यहाँ पे देख सकते हैं फॉन्ट है, इस पर क्लिक करना है, ये आपका ऊपर पोजीशन आ जाएगा। और यहाँ पे आप लोग को कलर दे देना है रेड। रेड देने के बाद आप लोग को यहाँ पे ए के ऑप्शन, बी जो ए बी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे अपने हिसाब से ये फॉन्ट को देना होगा। चलिए मैं यहाँ पे ये फॉन्ट दे दिया हूँ, और यहाँ पे इस तरह से लगा लेना है। तो ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद फिर आप लोग को जाना है यहाँ पे थर्ड डोर ऑप्शन पर क्लिक करना है, स्टिकर बजाना है। स्टिकर बजाने के बाद आप लोग को यहाँ पे ये वाला सेकेंड वाला स्टिकर पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। और यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा लेंथ को बढ़ाना है, बढ़ाने के बाद यहाँ पे ये लगा देना है इस तरह से। उसके बाद फिर आप लोग को इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद आप लोग को फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद इसको करता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे लिया कर इसको इस तरह से लगाता हूँ, और यहाँ पे तो इतना लिख लिए। और उसके बाद मैं यहाँ पे इस तरह से क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ, तो ये नेक्स्ट काम हो चुका है। उसके बाद आप लोग नीचे में भी कुछ लिख सकते हैं, और उसको आप लोग को सेव करने के लिए ऊपर क्लिक करना है, इस टीवी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा कस्टम का, तो इस वाले ऑप्शन पर टिक कर देना है। और अल्ट्रा पर आप लोग को क्लिक करने के बाद ये प्रोजेक्ट आपका सेव हो जाए। तो चलिए मैं इसको दिखाता हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग पिक्सआर्ट में बना सकते हैं। ये तो रहा पिक्सल लैब, उसके बाद यहाँ पे जाता हूँ और पिक्सल लैब में आप लोग देख सकते हैं फाइनली मेरा कंप्लीट बन चुका है। आप लोग को बताऊंगा कि डायरेक्ट आप लोग कैसे बना सकते हैं पिक्सआर्ट से। तो यहाँ पर आप लोग कुछ इस तरह से पिक्सआर्ट का आइकन दिखता होगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे कुछ आप लोगों को वेट करना है, तो चलिए मैं यहाँ पे वेट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे पिंक प्लस पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद मैं इसी को ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद आप लोगों को डायरेक्ट इसी पर बताता हूँ कि कैसे आप लोग बना सकते हैं। जैसे कि ये रहा आप लोग का पोस्टर, और उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है स्टिकर का, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे इस तरह से स्टिकर भी आ जाएंगे, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे स्टिकर ये नहीं लेना है। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे आना है, और एक ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को कट आउट, इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत क्वालिटी का एक अलग अलग के साथ मिलेगा। चलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ बस,
और ओके कर देना है, बस हो गया। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पर भी आप लोग एक जगह से ले जाना चाहते हैं उसको आप लोग ले जा सकते हैं। जैसे कि ये रहा, आप लोग बहुत सारे इस तरह से भी देखेंगे अलग अलग के साथ बना हुआ होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे रोटेट करता हूँ, रोटेट करने के बाद आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे हुआ ए फर्स्ट, और उसके बाद फिर आप लोग को जाना है कट आउट पर, और यहाँ पे फिर आप लोग को ले लेना है दूसरा कोई अलग, और यहाँ पे ठीक है लिख लेना है, ठीक है। और इसको आप लोग थोड़ा से ऊपर नीचे करके इस तरह से लगा लेना है। तो चलिए मैं इसको करता हूँ थोड़ा शॉर्ट, और इस तरह से लगा लेना है, जैसे कि मेरे आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पे दोनों तरीका आप लोग को बता दिया हूँ कि कैसे आप लोग इस तरह का थंबनेल बना सकते हैं अपने वीडियो के लिए। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आए, तो जरूर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए के पी शांति सैनिक, नमस्ते।